Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to YMS Biology Learners. Today in this lecture, we will discuss about spectrophotometry, the meaning and the instrument, who invented this instrument or the technique and the principle of this instrument. Main components of the technique or instrument as well as the applications or daily use of this technique. मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस टेक्निक में हम क्या कुछ करते हैं, ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है और किस बुनियाद पे ये टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं फिज़िक्स लैब्स में, केमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस वगैरह वगैरह में, ठीक है। इसमें होता ये है कि कोई सैंपल हम ले लेते हैं और उसमें जो कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन की बुनियाद पे हम लाइट पास कराते हैं, तो उस बुनियाद पे कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो उस बुनियाद पे हमें वैल्यू वो स्क्रीन पे या डिजिटल डिस्प्ले पे हमें वैल्यू नज़र आएगी। बात समझ आ रही है? So that is the main theme or principle of this technique. आइए देखते हैं होता क्या है इसमें। Now spectrophotometry, the word that is from three small words, spectro. What is spectro? Spectro for spectrum. Photo, the Greek word for light, and metry, that is measurement. अब आते हैं, what is spectrum? याद रहे स्पेक्ट्रम, यू नो दैट सनलाइट आल्सो कॉल्ड वाइट लाइट, व्हेन इट पास फ्रॉम अ प्रिज्म इट विल डिस्पर्स इनटू सेवन डिफरेंट कलर्स ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। हियर यू कैन सी व्हेन द लाइट स्ट्रक टू द प्रिज्म इट विल डिस्पर्स इनटू सेवन कलर्स। This dispersion of light is known as spectrum. इसको हम क्या कहते हैं? Light, visible light spectrum. बात समझ आ रही है? And the light and measurement. Light की बुनियाद पे, light को as a source इस्तेमाल करके, solution से पास करके, spectrum की बदौलत हमें जो वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड होता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। बात समझ आ रही है? फोटोमीट्री, इस यहाँ पे लाइट हम डिस्पर्स कराते हैं प्रिज्म के ज़रिए या इसके अलावा कोई ग्रेटिंग के ज़रिए, अगर अल्ट्रावायलेट, इन्फ्रारेड कोई और हो, ठीक है। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रम स्कोपी study deals with the measurement of radiant energy transmitted or reflected by a body as a function of the wavelength. Wavelength ki buniyad pe agar koi sample jitni light wo absorb kar de aur reflect kar de uski buniyad pe hum value nikalte hain wavelength ki buniyad pe, because these have different wavelength. You know that the wavelength of visible light that starts from 400 nanometer to 700 nanometer, and that is vibgyor, ठीक है। यहाँ पे रेड और यहाँ पे वायलेट। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे इसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ इसका कम है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज़्यादा। बात समझ आ रही है? तो इसलिए ये ऊपर टॉप पे है और ये नीचे है। सो दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ वेवलेंथ। बात समझ आ रही है? आपने ऑब्जर्व किया होगा प्लांट्स पे जो सनलाइट पड़ती हैं, तो आपने देखा होगा दैट रिफ्लेक्ट ओनली द ग्रीन लाइट, बिकॉज
The sunlight is composed of 7 colors. The 6 colors are absorbed by the plants and the green is repelled. That's why plants look green. बात समझ आ रही है? तो उसमें 7 colors मौजूद होते हैं और red और violet इस पे जो है photosynthesis का जो process है dependent on the red wavelength color and the violet color. बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम wavelength की बुनियाद पे लाइट को सेपरेट करते हैं और उसको फिर सस्पेंशन सॉल्यूशन से पास आउट करते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू मालूम करते हैं. ठीक है, एप्लीकेशन में हम आगे पढ़ते हैं. ठीक है, अब जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी बदौलत हम सॉल्यूशन सस्पेंशन की वेवलेंथ की बुनियाद पे वैल्यू मालूम करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. और इस फिनोमेना, इस प्रोसीजर, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री. बात समझ आ रही है? ठीक है, अब अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट, सो सिंपल, सो दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रो. यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहाँ पे हैं? याद रहें, यहाँ से लेकर यहां तक इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. बात समझ आ रही है? ये इस तरह, मिसाल के तौर पर ये एक मशीन होती है, इसमें ये सारा सिस्टम इसमें लगा हुआ होता है, बल्ब भी होता है, लेंस भी होता है. ठीक है, ये प्रिज्म का सिस्टम भी यहाँ पे, स्लेट सॉल्यूशन ये हम यहाँ पे डाल देते हैं, ग्रेटिंग ये यहाँ पे, ये डिटेक्टर और स्क्रीन भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद होता है. बात समझ आ रही है? तो इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लार्ज बनाया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए. बाकी ये जो है इंस्ट्रूमेंट हैं, लार्ज जो है बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं, छोटे साइज़ के भी हो सकते हैं. बात समझ आ रही है? ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये एक ही अपरेटस में मौजूद होते हैं, सारे कंपोनेंट्स. बात समझ आ रही है? तो इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ठीक है, अब हु इन्वेंटेड, आर्नल्ड ओ बेकमैन इन 1940s इन्वेंटेड द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? याद रहें, हिस्ट्री को अगर आप देख लें, सेकंड वर्ल्ड वार में फूड पॉइजनिंग की वजह से इसकी ज़रूरत पड़ गई और ये चीज़ जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर सामने आ गई. ठीक है, प्रिंसिपल का क्या है? द प्रिंसिपल इज बेयर्स लॉ. अ साइंटिस्ट नेम बेयर, ही प्रपोज्ड अ लॉ एंड दैट लॉ इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. सो सिंपल, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. अगर एक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मकदार सॉल्यूट का ज़्यादा है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ये जो कैपेसिटी है ये भी ज़्यादा होगी. बात समझ आ रही है? तो इस लॉ की बुनियाद पे ये इक्विपमेंट काम करता है. दैट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस लॉ एंड दिस लॉ इज़ प्रपोज्ड बाय बेयर. दैट्स व्हाई द लॉ इज़ नोन एज बेयर्स लॉ. ठीक है, यहाँ पे मेन कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं. बहुत इजी है, यहाँ पे हमने ड्रा किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है. द मेन कंपोनेंट्स, द फर्स्ट वन इज़ द लाइट सोर्स. यू कैन सी हियर द लाइट सोर्स, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट या रेज, अल्ट्रावायलेट. आपको याद रहे द रेंज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, दैट इज फ्रॉम 185 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर. उसके बाद विजिबल लाइट है, ये विजिबल लाइट. उसके बाद जो है इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड दैट इज फ्रॉम 700 नैनोमीटर टू 15,000 नैनोमीटर. बात समझ आ रही है? कोई भी लाइट सोर्स हो, विजिबल लाइट को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? सॉल्यूशन वगैरह, इसको, इसकी इम्प्योरिटीज, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स एटसेट्रा, यहाँ पे. और अल्ट्रावायलेट को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? फॉर फॉर एग्जांपल सॉलिड मटेरियल, दे मे बी, ठीक है,
फ्लूइड एटसेट्रा फ्लूइड, और यहाँ पे सिर्फ हम वाइब्रेशन के लिए, इंफ्रारेड डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे कोर्स में नहीं है। बहरहाल लाइट सोर्स इज़ द फर्स्ट मेन कंपोनेंट ऑफ दिस टेक्निक। इस अपरेटस में लाइट का जो सोर्स है वो मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद हम कॉलीमेटर या लेंस इस्तेमाल करते हैं। यू नो व्हाट इज़ लेंस? लेंस जो है यहाँ पे जो रेज आते हैं सोर्स से उसको एक पॉइंट पे लाके जमा करते हैं, ठीक है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ लेंस, द सेकेंड कंपोनेंट। द थर्ड वन मोनोक्रोमेटर, दे मे बी अ प्रिज्म, अ ग्रेटिंग सिस्टम। व्हाट, व्हाई इट इज़ कॉल्ड मोनोक्रोमेटर? बिकॉज इट डिसोसिएट्स और इट स्प्लिट्स a white color into seven colors, that's why it is called monochromator. ठीक है, mono mean one, chroma for color. That is the prism. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. ठीक है, एक बात यहाँ पर याद रख लें, why the prism that splits the white light into seven colors, because on the basis of wavelength or frequency, violet rang ki jo frequency hai wo zyada hai. Agar frequency zyada ho, yahan pe aap dekh le, frequency zyada ho, wavelength kam rahega. Wavelength from one point to another point, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम है, स्पीड दैट विल बी स्लो। अगर स्पीड कम है सो बेंडिंग विल बी हाई। तो वायलेट का जो वेवलेंथ है दैट इज द अप्रोक्सीमेटली 300 वेवलेंथ, और रेड का जो है वो 700 है, ठीक है। तो वेवलेंथ अगर कम है इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, बेंडिंग ज़्यादा होगी। इसके बाद इसकी जो वेवलेंथ है ये इससे ज़्यादा है, ब्लू का इससे ज़्यादा है, ग्रीन का इससे, येलो पेयर और ऑरेंज और लास्ट में रेड। अब ये बेंडिंग ज़्यादा इसलिए बेंडिंग होती है या हुई है कि यहाँ पर वेवलेंथ कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रश में जा रहे हैं ट्रैफिक के अंदर, तो वहाँ पे अगर हम किसी तरफ मुड़ना चाहते हैं तो इसका मतलब है हम स्लो जाएंगे, आहिस्ता जाएंगे, ताकि हम आसानी से मुड़ सके। जब ट्रैफिक जो है वो कम होता जाएगा, एक बंदा वो आगे निकलना चाहेगा वो आगे निकलेगा, ठीक है। एक जो है इस तरफ आएगा, जो बेंड करेगी जो गाड़ी, इसका मतलब है वो स्लो डाउन है। बात समझ आ रही है? वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ क्या है, कम है, और वेवलेंथ अगर ज़्यादा है दैट विल नॉट ईजीली मूव। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाल को यहाँ से फेंकता हूँ, ठीक है, तो अगर तेज़ी से फेंकता हूँ तो वो बिल्कुल इसी तरह आगे निकल जाएगा, वहाँ पे ड्रॉप होगा। अगर हम स्लो में स्लोली यहाँ पे किसी चीज़ को, इस मार्कर को यहाँ पे डाल देता हूँ, तो वो स्लोली यहाँ पे आसानी से यहाँ पे ये मार्कर गिर जाएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ अगर कम है तो उसकी वजह से बेंडिंग ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये वेवलेंथ की बुनियाद पे ये सेपरेट हो गए, ठीक है। अब उसके बाद वेवलेंथ सेलेक्टर, इसको हम वेवलेंथ सेलेक्टर कहते हैं, स्लिट भी बोला जाता है इसको, एंड इट इज़ मूवेबल। बात समझ आ रही है? यहाँ पे आप देख ले, अगर हम किसी ख़ास वेवलेंथ वाले रेस को यहाँ से पास करना चाहें तो ये स्लिट हम मूव करेंगे और ये रेड जो है यहाँ से पास होगा। अगर मैं ऑरेंज को चाहूँ तो ये थोड़ा नीचे करके ये स्लिट यहाँ ऑरेंज पास होगा, अगर येलो में चाहूँ थोड़ा और, इसी तरह इट इज़ मूवेबल एंड वी पास ओनली द रिक्वायर्ड वेवलेंथ रेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्विट, क्विट क्या है? ये एक ऐसा ग्लास प्लास्टिक से बना हुआ एक स्टैंड सा होता है जिसमें हम सस्पेंशन डाल देते हैं, ठीक है।
कोई बीकर वगैरह हम रख लेते हैं उसको हम कहते हैं कोविड, सैंपल सॉल्यूशन है और ये कोविड है, बात समझ आ रही है। उसके बाद जो है हमारे पास डिटेक्टर है या फोटोसेल है। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन की बुनियाद पे यहाँ पे बाज रेज जो है वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डिटेक्ट होंगे वो रेज, एंड द लास्ट वन दैट इज द डिटेक्टर और डिजिटल डिस्प्ले, और डिस्प्ले यहाँ पे इसमें मौजूद होता है। उस डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि कितनी एब्जॉर्प्शन हुई है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड रिफ्लेक्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रोसीजर, ये जो टेक्निक, ये जो अपरेटस आपको सामने नज़र आ रहा है, दैट इज़ ऑल अबाउट स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बात समझ आ रही है। सारा कुछ आपको यहाँ पे सामने है, एंड दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं। डेली यूज, इट डिटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप को ये, इसके ज़रिए हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है अल्केन में जो बॉन्डिंग है, अल्केन वो सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन में डबल बॉन्ड है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, हेक्सेन वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ जो है OH है, मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो इसकी बदौलत, इस टेक्निक की बदौलत यहाँ पे हम सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व कर लेते हैं और उससे ये रेस पास करते हैं, और इसका एक ख़ास ग्राफ पे रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसका मतलब ये है कि द फंक्शनल ग्रुप दैट बिलोंग्स टू दिस एरिया एंड दिस एरिया आर स्पेशली डिज़ाइंड इन अ ग्राफ फॉर अल्केन्स। अगर ये अल्केन्स के लिए ये इलाका मुख्तस हैं, तो यहाँ पे हम देख सकेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का जो ग्राफ है वो यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा है। ये अल्केन के लिए है, ये अल्कीन के लिए, ये अल्काइन के लिए। अगर रिज़ल्ट यहाँ पे आ रहा है, इस नैनोमीटर का वेवलेंथ, इस रेस का वेवलेंथ ये ऊपर जा रहा है टॉप पीक पे, तो इसका मतलब है इट बिलोंग्स टू अल्केन। अगर यहाँ पर है तो ये कम है, अगर यहाँ पे हैं तो हम कह सकते हैं कि अल्काइन। सो इट इज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, मैंने शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। द सेकंड वन, करेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आप जानते हैं, इट प्रोटीन्स कंटेन लॉट ऑफ अमीनो एसिड, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिप्टोफैन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, tyrosine and tryptophan, these are different type of amino acids, or you can say more than these. तो यहाँ पे क्या होता है, characterization of proteins में हम proteins यहाँ पे डाल देते हैं amino acid। अब अगर amino acid का जो chemical composition है वो दूसरे amino acid से मुख्तलिफ है, अगर मुख्तलिफ है तो absorption जो है वो मुख्तलिफ होगी, यहाँ पे value मुख्तलिफ आएगा। तो इसी वजह से हम इसको प्रोटीन डिटेक्शन करेक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन इज़ दैट। देन नेक्स्ट, दैट इज़ मॉनिटर डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। पानी में हम डिसॉल्व ऑक्सीजन इसी की बदौलत मालूम करते हैं। पानी यहाँ पे डाल देते हैं ओशन से, फ्रेश वाटर, दे मे बी स्प्रिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो इसमें हम डिसॉल्व ऑक्सीजन मालूम कर सकते हैं। द नॉर्मल वैल्यू दैट इज 6.5 to 8 मिलीग्राम पर लीटर। एक लीटर में अगर इतना डिसॉल्व ऑक्सीजन है तो ये नॉर्मल है, अगर इससे कम और ज़्यादा आ जाए इस यहाँ पे हमें वैल्यू दे देगा। तो इसी बुनियाद पे हम मालूम कर सकते हैं कि पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मकदार कितनी है, ठीक है। इसके बाद जो है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। सॉल्यूशन में हम इम्प्योरिटीज़ मालूम कर सकते हैं बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिपेलेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हम मालूम कर सकते हैं किस तरह, अगर कोई ड्रग वगैरह है उसमें जितना कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं ताकि ये सेफ हो, एक्यूरेट हो पेशेंट के इस्तेमाल के लिए, तो वो कंसंट्रेशन हम यहाँ पे मालूम करते हैं जो बेयर्स ला बताता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वाइन शराब वगैरह उसी में भी ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इस्तेमाल होती हैं, बात समझ आ रही है। और इसके साथ साथ एक बात जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, गुजारिश ये है
जब भी ये लेक्चर आप देखते हैं, अपने पास पेन और नोटबुक ये लाजमी रखें और इसको नोट करते जाएं, ठीक है, ताकि इसको आप नोट करेंगे तो ये फिर आपको कापी में, नोटबुक में आप दोबारा जब देखेंगे तो आपको आसानी होगी। और अगर इसी तरीके पे आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो फिर भी ये कोई इंशाल्लाह ऐसा वैसा तरीका नहीं है, इसी तरीके पे आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, डायग्राम प्लस हेडिंग्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कैलीग्राफी में अगर आप माहिर हैं तो हेडिंग्स कैलीग्राफी में दे सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट स्पेक्ट्रो फोटोमीट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।